इंडिया के दिग्गज सियासतदानों में शुमार चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को संकट में डाल दिया है। किसान आंदोलन से लेकर कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने अब खुलकर सरपंचों का समर्थन कर दिया है। ई टेंडरिंग में सुधार की बात करते हुए वीरेंद्र सरकार द्वारा तय की गई 2 लाख की राशि से दफा दिखे और कई सवाल खड़े कर दिए। वीरेंद्र ने क्या कहा, सुनिए। मेरी आज मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और कल सरपंचों की मीटिंग भी थी, कल थी या परसों, तो काफ़ी चीज़ों पे आम सहमति बनने की उम्मीद है और लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन पे सरपंच भी मानेंगे और सरकार को भी मानना चाहिए। एक तो सरकार को ये मानना चाहिए कि अगर ऑडिटिंग को मानते हैं तो फिर सरपंचों को खुली छूट होनी चाहिए, उनको फिर बंधन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, ऑडिट जो है, जब सरकार का काम का ऑडिट होता है तो पंचायतों का भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको 2 लाख, 2 लाख का तो कोई अमाउंट ही नहीं है और बोलते हैं कि 7 लाख पे कोई बात हुई है। तो अगर ऐसा भी हो जाए, मैं तो कहता हूँ ये ऑडिटिंग होने के बाद टेंडरिंग में भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। टेंडर ऐसे होने चाहिए जो जिसका निर्णायक हो, ये नहीं है कि एक टेंडर हो गया, 6 महीने लटका, फिर पंचायत का काम ही नहीं होगा। तो टेंडरों में भी सुधार की जरूरत है। मोदी कैबिनेट में शामिल रहे वीरेंद्र सिंह के इस तरह से खुलकर बोलने से आंदोलन कर रहे सरपंचों का उत्साह बढ़ना तय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार वीरेंद्र सिंह की बातों को मानकर कोई चीज का रास्ता निकालेगी? जो सुझाव वीरेंद्र सिंह दे रहे हैं, क्या उन्हें लागू किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।